दतिया में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दतिया में वोट डाला और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार देश की जनता से झूठ बोलते हैं, अब कांग्रेस पर देश को भरोसा नहीं है। दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदान करने के बाद कहा कि इस बार भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने महिलाओं को हर साल 1 लाख देने की कांग्रेस की घोषणा पर निशाना साधा और कहा कि देश में कुल 68 करोड़ महिलाएं हैं, हर साल महिला को 1 लाख रुपए देने पर 68 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। भारत सरकार का बजट ही 45 लाख करोड़ है। राहुल गांधी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, कांग्रेस पर देश को भरोसा नहीं है। अब आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आपने ठीक सवाल किया, 1 लाख रुपया महिला को देंगे साल का, तो 68 करोड़ मातृशक्ति है, 68 लाख करोड़ का बजट हुआ। भारत सरकार का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का, कहां से देंगे? पूरा बजट दे देंगे तब भी पूरी नहीं हो रही। अब ये झूठ बोलने के वोट लेना, ये कांग्रेस के स्वभाव में आ गया है। राहुल गांधी जी का स्वभाव बन गया है झूठ बोलना, बढ़ चढ़ के बोलना, बड़ बोल बोलना। दतिया का युवा भी लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान को लेकर भारी उत्साह एवं जोश में नजर आया। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर दखल न्यूज ने जब युवाओं से बात की तो उन्होंने अपने मतदान को आगामी प्रगतिशील देश की भूमिका में महत्वपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर निरंतर मतदान जारी है और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने के लिए मतदाता कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम दतिया जिले के मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर धार्मिक स्थान उन्नाव बालाजी में खड़े हुए हैं, जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर निरंतर मतदान करने के लिए चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो निरंतर आ रहे हैं। यहाँ कुछ हम जो फर्स्ट वोटर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में उनका जो मतदान है वो कितना सार्थक है और आने वाली सरकार से जो युवा वर्ग है वो कितनी आशाएं और उम्मीद लगाए हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे उन उम्रदराज लोगों से जिन्होंने निरंतर कई सरकारों को देखा है और सरकारों के जो परिवर्तन निकल कर सामने आए उससे कितना अनुभव लिया है, जो आने वाली सरकार होगी उनसे क्या उम्मीद लगाई जाएगी। देखिए हमारी यह रिपोर्ट दखल न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा। आज मैं पहली बार मतदान कर रही हूँ तो मैं ये विश्वास रखती हूँ कि मेरे मत से जो सरकार है वो एक अच्छी सरकार है और युवाओं का और पूरे देश का भविष्य अच्छा हो। हम आशा रखते हैं कि सभी युवाओं को मौका मिले और प्रगति हो हमारे देश की हर शिक्षा में हर जगह, और जो हमारे देश में प्रगति करेगा हम बिल्कुल उसको लाएंगे, जो आतंकवाद को कम करे हम यही चाहते हैं, और जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देगा हम उसी को वोट देंगे। मुद्दा तो विकास का है, डेवलपमेंट है मेन, सबसे ज़रूरी है देश के लिए, और जो लोकतंत्र है अपने लोकतंत्र के लिए वोटिंग करना ज़रूरी है। सभी से अपील है कि समय से जाएं, अपना मतदान करें और लोकतंत्र को बनाए रखें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।